नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ नेटवर्क टुडे। मैं जावेद अंसारी बबलू के साथ मैं मौजूद हूँ रीवा शहर के सबसे प्राइम लोकेशन में, शिल्पी बाजार में। कहने के लिए तो रीवा शहर का सबसे बड़ा बाजार, लेकिन आपके टीवी स्क्रीन पर इस समय जो दृश्य दिखाई दे रहा होगा उसको देखकर कहा जा सकता है सुनसान गलियाँ। अमूमन रात के 11 बजे के बाद इस तरीके का नज़ारा यहाँ पर देखने में नज़र आता। फिलहाल अभी रात के केवल और केवल 8 भी नहीं बजे हैं, जिस तरीके का यहाँ दृश्य देखा जा सकता है साफ तौर से नज़र आ रहा है कि कोरोना का कहर किस तरीके से प्रकोप है यहाँ पर। सबसे बड़ी बात, आज लॉकडाउन का दूसरा दिन रविवार को दूसरे दिन कोरोना ने एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया जिसके बारे में चर्चा करना बेमानी है। कोरोना के आज लगभग 107 पेशेंट निकले हैं। जी हाँ, कोरोना ने पिछले साल से जब से कोरोना आया पहली बार शतक बनाया है, 107 का आंकड़ा कोरोना ने पार किया है। रीवा शहर ने भी एक नया रिकॉर्ड बनाया है। जिस तरीके से लॉकडाउन के बाद भी कोरोना के पेशेंट लगातार बढ़ रहे हैं, अब कल से बाज़ार फिर उसी तरीके से खुल जाएगा, यहाँ की गलियाँ फिर से गुलजार हो जाएंगी। माना जा सकता है जिस तरीके से पेशेंट मिल रहे हैं ये अपने आप में रीवा शहर के लिए कतई भी बेहतर नहीं कहे जा सकते। जिस तरीके से फिलहाल यहाँ का हाल है उसको कतई बेहतर नहीं कहा जा सकता। 100 से ज़्यादा पेशेंट का मिलना अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है। कोरोना के काल में इतने पेशेंट कभी नहीं मिले थे, मैं बार बार यही कह रहा हूँ। मैं अपने न्यूज़ नेटवर्क टुडे के माध्यम से रीवा शहर की जनता से अपील करता हूं, ज़रूरत पड़ने पर ही घर से निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग के तमाम नियमों का पालन करें और सरकार जो भी दिशा निर्देश दे उसको जरूर पालन करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और देखते रहिए न्यूज़ नेटवर्क टुडे।